माशाल्लाह तेरी खैर, कितने छोटे यार। सबसे बड़ा कौन साइज में? स्नान कब से मुझे कह रहे हैं इसको पेट हाउस में लेके चलते हैं। अपनी ये चेक करी, एलिफ हमारा ये बैठा हुआ है, आराम से इसको ले चलते हैं। आ जाओ काटो ना आराम से, गुड। ये आ गया एलिफ ऊपर पेट हाउस में। दोस्तों मैंने डिसाइड तो ये किया था एलिफ को ऊपर नहीं लेके आएंगे क्योंकि इसने कल नीचे अप्लाई किया और मायना ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन एलिफ की वजह से हमारे पेट हाउस की रौनक में इजाफा हो जाता है, इसलिए इसको ऊपर लेके आए। इसको आज हम सेफ जगह पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाते हैं, यहाँ से कहीं भी नहीं फ्लाई करेगा। इधर बैठो एक मिनट, बैठो। वो एक काट क्यों रहे हो ऐसे, गुड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और हम इन मुर्गियों को खोल लेते हैं आज। मुर्गियों के साथ में ये छोटे वाले मुर्गे को बंद करता हूँ और ये इसको मारते रहते हैं। मैं एलिफ को खाना खाने लगा था, आप ऊपर ले आयो। चलो इधर ही खिला दो एलिफ को खाना। इन सब पेट्स को खोल के मैंने खाना वगैरह दे दिया और हमारा जो छोटा मुर्गा है अभी वो बाहर नहीं आया। इधर आ जाओ, आ जाओ। यार हमारा एलिफ मेरे पास आ नहीं रहा, आगे चला गया। ये बैठा हुआ है, इधर आओ एलिफ। आ गया, ये लो आ गया एलिफ। यार इधर मैं कैसे खिलाऊं, कहीं बिठा दो मुझे आगे। चल इधर आओ, मैं उठाता हूँ आपको। ये केज के ऊपर बैठ जाओ, केज के ऊपर बैठ जाएगा। चल बैठ, मैं एलिफ इसको पकड़ा देता हूँ ताकि इसको खाना खिला सके। चल हैंड आगे कर, चल एलिफ अरसान भाई के पास चलो, गुड। ओए ओए आराम से आराम से, चलो इसको खाना खिलाओ। खा रहा है? खा रहा है। अब आराम से बैठा रहेगा, ठीक है। जोधा यहाँ पे, अकबर कहाँ पे है? दोस्तों जब भी मैं ऊपर पेट हाउस में आता हूँ मेरी सबसे पहले जोधा अकबर की तरफ नजर जाती है क्योंकि ज्यादा शरारते ये करते हैं, फ्लाई ज्यादा करते हैं। अब हमें जोधा नजर आ रही है, अकबर नजर नहीं आ रहा। केजिस के अंदर चले जाते हैं, नहीं तो इनकी एक ही जगह मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे बैठा होगा। सीरियसली वहीं पे बैठा हुआ है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम एंजॉय कर रहा है। नीचे आ जाओ यार। दोस्तों अगर इसको मैंने ना उठाया ना ये सारा दिन यहीं पे बैठा रहेगा, और ये खतरे वाली जगह भी है, ये हर रोज ही आ जाता है, इसने अपनी आदत बना ली है। आ जाओ अकबर, नहीं आ रहा यार। अरसान तू बिजी है यार, अकबर को नीचे उतारना था। अकबर नीचे नहीं जाना, बस वो सामने वाली दीवार पे फ्लाई करना, नीचे नहीं जाना। मुझे लग रहा है ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अकबर आराम से, मुझे लग रहा है दीवार पे ही है, वो सामने दीवार पे ही है, ठीक हो गया ये। आ जाओ अकबर इधर आ जाओ। मैंने ईगल को अपने हैंड पे बिठा दिया, थोड़ा सा अरसलान को डराते हैं। एलिफ खाना खा रहा है ना, इसको भी खिलाओगे? इसको भी खाना खिलाओ यार, इस तरह खिला दो। एलिफ तो बड़े मजे मजे से खा रहा है ना। बस हो गई है, तो इसको भी हैंड पे खिलाओ अपने। नहीं मैं नहीं खिलाता। चलो हम अपने किंग को यहाँ पे बिठा देते हैं। किंग यहाँ पे बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, यहाँ पे नहीं बैठना चाह रहा। मुझे पता है ये ज्यादा शौक से वो टैंकी के ऊपर बैठता है, इसको वहाँ पे बिठा देते हैं। आ जाओ यार किंग यहाँ पे बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ यार। मेरे ओहो नाखून चुभ रहे हैं यार, कपड़े से अटके ना, मेरे बाजू पे आई है। इधर उतर जाओ किंग, उतर जाओ यार, नहीं उतर रहा, कैमरा बंद करके इसको उतारना पड़ेगा। किंग को बड़ी मुश्किल से मैंने बिठा दिया, मेरे बाजू से उतर नहीं रहा था, इतनी इतनी जोर जोर से मेरे नाखून यहाँ पे मार दिए हैं। नहीं खा रहा, नहीं। चल इधर ला एलिफ को, वहाँ पे बिठा देते हैं। यार बुलबुल के बच्चे चेक करके आए? नहीं मैंने कल चेक किए थे, ठंडे ही पड़े थे यार। नहीं कराते हैं आज, मुझे उम्मीद नहीं है बच्चे होंगे यार, बच्चे निकलने वाले थे। एलिफ को हम वहाँ केज पे नहीं बिठाते, फिर इसको नीचे छोड़ के फिर हम चलते हैं। चला जा। दोस्तों हम अरसलान के कहने पे बुलबुल के बेबी चेक करने के लिए जा रहे हैं, मुझे उम्मीद तो नहीं है क्योंकि पहले मैंने तीन चार दिन चेक किए, अंडे ही पड़े थे। अब हम जाके देख लेते हैं क्या है। वो सामने वाला दरख्त है, अरसलान भाग के आ जरा, चल भागे। तुझे क्या लगता होंगे कि नहीं होंगे? चल देख लेते हैं, अभी पता चल जाता है। हम दरख्त के पास पहुंचे हैं, अब हम जल्दी से कैमरे को भेजते हैं और चेक करते हैं बेबी निकले हैं कि नहीं। कहाँ पे है नेस्ट? ये रहा, बुलबुल नहीं बैठी, नहीं तो पहले जब भी बैठी होती थी फौरन उड़ जाती थी। अभी हम चेक कर लेते हैं, ये चला गया कैमरा नेस्ट के पास। अभी आपको ये वीडियो नजर आ रही होगी, हमें तो पता नहीं है क्या है इसमें। यार जल्दी दिखाओ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। चल दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो देख के बड़ा दिल खुश हुआ है, माशाल्लाह क्यूट क्यूट से तीन बेबी निकले हुए हैं, एक अंडा पड़ा हुआ और तीन बेबी निकले हैं, वो भी निकल आएगा एक दो दिन में। और स्नान को मैंने वीडियो दिखाई है, बड़ा ही खुश हुआ, इसने इतनी जोर से चीख मारी है ना खुशी में, और ये अरबाब उठ के आ गया, सोया हुआ था, अब मुंह धो के आया, वो बेबी निकला है यार क्यूट क्यूट से। तीन है, चार अंडे पड़े थे ना उसमें से तीन निकल आए। अभी मैं तुझे वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो मैंने अरबाब को दिखाई है, कैसे लगे तुझे बेबी? अच्छा है, इनको बाहर निकाले? और नहीं नहीं बाहर क्यों निकालना, बुलबुल नहीं आई अभी है? अभी मुझे लगता नहीं है, फिर रख देंगे। चल निकाल के चेक कर, एक निकालियो। दोस्तों आज मैं पहली दफा बुलबुल के बेबी हाथ में पकड़ने वाला हूँ, ये उठा रहा है एक, आराम से ध्यान से, कुछ हो ना उसको।
ये अरसलान ने नेस्ट देखा था और आज मुझे यही लेके आया। और माशाल्लाह तेरी खैर कितने छोटे हैं यार, कितना प्यारा यार है ना, छोटा कितना यार दिखाई लगता है। हाँ मुझे लग रहा है ये अभी निकला शायद, इतना छोटा सा बच्चा। यार मैं हाथ में बिठाई इसको, रखे यार अरबाब आराम से इसके हाथ पे। चल पहले कभी देखा हुआ अरबाब तूने? मैंने भी पहली दफा ही देखा है, कितना प्यारा माशाल्लाह। इसकी आंखें अभी नहीं खुली है ना, आंखें अभी बंद है। हाँ चल रख देते हैं यार, डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको दो को देख लेते हैं। ये देख दोस्तों, हमने वीडियो देखी है, वो जो बाकी दो बड़े हैं वो ज्यादा बड़े लग रहे हैं, पता नहीं हम वीडियो में बड़े आ रहे हैं या वैसे है ही बड़े। उसको एक उठाई यार ध्यान से, दूसरे अंडे को ना छेड़ी, वो वाले ज्यादा बड़े लग रहे हैं। आराम से आराम से। हाँ वे ये बड़ा है, इसकी क्या वजह? हाँ ये देख कितना बड़ा है माशाल्लाह। दूसरे को बिठाई, ये मुझे पकड़ा, इसको अभी वापस रख देते हैं। बुलबुल अभी आई नहीं है, अरसलान देख बुलबुल कहाँ पे है? नहीं है अभी, पहले इस दरख्त पे बैठी होती थी। आराम से ध्यान से। ओए हाँ ये दोनों बड़े हैं, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? ये वाला मेरे हाथ वाला है ना, फिर दूसरे नंबर पे है और सबसे छोटा ये है। अभी एक अंडा और पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें नेस्ट कितना प्यारा उसने गोल गोल सब बनाया हुआ है ना। देखो यार माशाल्लाह कितने प्यारे तीन तीन क्यूट क्यूट बेबी। ये हमने तीनों को एक एक हाथ में पकड़ लिया है। अरसलान कब से मुझे कह रहा है इसको पेट हाउस में लेके चलते हैं, नहीं लेके जाना बिल्कुल भी इनको, इनको वापस रख देते हैं। तीनों मेरे हाथ पे आ गए हैं, अब एक एक पकड़ के ना आराम से तूने रख देना है। और यार मैंने अभी सीटी मारी थी, इन दोनों ने तीनों ने मुंह खोल लिए थे अपनी, ये चेक करी है ना। बुलबुल भी सीटी मारती होगी ऐसे, वो मुँह खोलते होंगे, इसको मुझे लग रहा है खाना चाहिए ना। बुलबुल मुझे लग रहा है इकट्ठा करने के लिए गई हुई है। अब जल्दी से ना बारी बारी इसको रख दे यार, वो देख चेक कर यार माशाल्लाह। आराम से प्यार से रखी, ध्यान से जैसे पड़े थे ना वैसे ही रखी। चलो जी वो देख, ये तो सबसे छोटा है ना, मुझे लग रहा अभी निकला ही है, दूसरे अंडे में से भी निकलने वाला है। अंडे को हम छेड़ते नहीं है, पड़ा रहे वो अंडा। अरसलान बुलबुल देख आई है कि नहीं? नहीं आई अभी। वो देख उसने मुंह खोल दिया। चलो ध्यान से, चलो गुड हो गया। अब हम कैमरे को भेज के चेक कर लें सही आराम से बैठ गए हैं कि नहीं। दोस्तों हमने वीडियो देख लिया, आराम से उसी जगह पे बैठ गए हैं जहाँ से हमने उठाए थे। अब हम अपने पेट हाउस में चलते हैं। बुलबुल नहीं मिली अरसलान? चल छोड़ खुद ही आ जाएगी, वो मुझे लग रहा है इनके लिए खाना लेने के लिए गई हुई है। चल आ जाओ। मैं किंग को टैंकी के ऊपर बिठा के गया था, अब हम जल्दी से देखते हैं उसको कोई मसला तो नहीं हुआ। जल्दी अरसलान, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। ओहो किंग को टैंकी के ऊपर बिठाया था और दीवार के ऊपर आ गई है, आराम से बैठी हुई है, कोई मसला नहीं हुआ। बाकी पैर अपने खाने पीने में अभी भी लगे हुए हैं, कुछ खा के केज के अंदर चले गए हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।